आज का इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मोबाइल नंबर से अगर आप दूसरे किसी मोबाइल नंबर में बैलेंस को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप अगर सऊदी अरबिया के अंदर रहता हो और मोबाइल का सिम इस्तेमाल करता हो तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखते रहना। मैं आपको चार ऐसे तरीके के बारे में बताऊँगा जिसके जरिए आप आसानी से बैलेंस को आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप अगर सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखते रहना। अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला जो तरीका है मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको मोबाइल का डायलर पैड में आना है और इधर आपको डायल करना है *123 और उसके बाद अपना जो मोबाइल का नंबर है जिस नंबर में आप बैलेंस को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उस नंबर को आपको पेस्ट कर लेना है या फिर इंटर कर लेना है। तो इधर से मैं पेस्ट कर रहा हूँ, उसके बाद स्टार लगाना है और उसके बाद आपको अमाउंट सेलेक्ट करना है। अमाउंट कितना कितना आप भेज सकते हैं, 5 रियल, 10 रियल, 15 रियल, 20 रियल, तो इनमें से आप किसी भी अमाउंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये नहीं कि आप 8 रियल, 7 रियल ऐसे नहीं कर सकते, आप जो भी भेजना चाहते हैं। एग्जांपल के लिए ये 5 रियल मैंने एंटर कर दिया, उसके बाद हैश लगाना है और उसके बाद आपको कॉल करना है। जब भी आप कॉल करेगा तो क्या होगा, आपके सामने एक नोटिफिकेशन आएगा। इसका जो ट्रांजेक्शन चार्ज है 50 हलाला पर ट्रांजेक्शन, चाहे आप 5 रियल भेजो या फिर 20 रियल भेजो, आप भेजने के लिए जाएगा तो इसका जो चार्ज है 50 हलाला वो आपको पे करना पड़ेगा। तो ऐसे करके आप मोबाइल का जो बैलेंस है उसको आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका है मैं आपको बता रहा हूँ, राइट मैसेज में जाना है और इधर आपको मैसेज में जाके आपको लिखना है मोबाइल का जो मोबाइल नंबर जिस नंबर में आप बैलेंस को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, ये होगा मोबाइल नंबर। उसके बाद एक स्पेस लगाना है और जितना अमाउंट आप भेजना चाहते हैं, चाहे 10 रियल हो या फिर 15 रियल हो, जो भी आप भेजना चाहते हैं उस अमाउंट को इंटर कर लेना है और इस मैसेज को भेजना है मोबाइल का जो कस्टमर केयर नंबर है उसमें 1100, ये हो गया मोबाइल का कस्टमर केयर नंबर, और इस मैसेज को आपको भेज देना है। भेजने के बाद आपके पास तुरंत मैसेज आ जाएगा। अगर आपके पास इतना बैलेंस है जितना आप भेज रहे हो, मैंने अकाउंट में उतना बैलेंस है, बैलेंस काट लेगा। एक्स्ट्रा जो है दोस्तों 50 हलाला आपको ज़्यादा कटेगा, क्योंकि 50 हलाला जो है ट्रांजेक्शन चार्ज है। तीसरा जो तरीका है मैं आपको बता रहा हूँ, अपना मोबाइल का डायलर पैड में आना है और इधर आपको डायल करना है *123 उसके बाद हैच। इस नंबर को डायल करने के बाद आपके पास एक मेनू ओपन हो जाएगा, उधर आपको अपना मोबाइल नंबर को एंटर करने के लिए बोलेगा जिस नंबर पर आप बैलेंस को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। उसके बाद रिप्ले में ओके कर देना तो क्या होगा, कितना अमाउंट भेजना चाहते हैं वो आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद अमाउंट को सिलेक्ट करके आप पैसा भेज सकते हैं। चौथा जो तरीका है मैं आपको बताऊंगा, प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर में जाके अपना मोबाइल ऐप्स को इंस्टॉल कर लेना। तो मैं आपको मोबाइल ऐप्स को ओपन करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। मोबाइल ऐप्स कुछ इस तरह से आपके सामने ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, ये माई लाइन वाला जो ऑप्शन है इस ऑप्शन के ऊपर आपको आना है और इधर आपको लॉगिन या फिर रजिस्टर कर लेना है। आपके पास अगर अकाउंट नहीं है तो इधर क्विक लॉगिन को सिलेक्ट करके अपना मोबाइल नंबर को एंटर कर लेना। उस नंबर पे एक OTP रिसीव होगा, OTP को एंटर करके आप लॉगिन हो सकते हैं। इसको मैं लॉगिन करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। लॉगिन होने के बाद अपना बैलेंस शो करेगा, अपना नंबर शो करेगा। उसके बाद आपको माई लाइन वाला जो ऑप्शन है उस ऑप्शन के ऊपर आपको आना है। तो इधर आप देख सकते हैं क्रेडिट ट्रांसफ़र, इस ऑप्शन के ऊपर जाना है। उसके बाद अपना जो क्रेडिट है, अपना जो बैलेंस है ऊपर शो करेगा। उसके बाद माय नंबर पे अपना नंबर शो करेगा। उसके बाद जिस नंबर पे आप बैलेंस को भेजना चाहते हैं वो मोबाइल नंबर जो है इस जगह में आपको इंटर कर लेना है। इंटर करने के बाद नीचे इधर अमाउंट देख सकते हैं, 5, 10, 15, 20, जो भी आप भेजना चाहते हैं उस अमाउंट को आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद ट्रांसफ़र क्रेडिट वाला ऑप्शन के ऊपर आपको टच कर लेना है। उसके बाद अपना अकाउंट से 5 रियल 50 हलाला काट लेगा और जिस नंबर पर आपने सेलेक्ट किया है उस नंबर पे बैलेंस रिसीव हो जाएगा। तो बैलेंस ट्रांसफ़र करने का जो टर्म्स एंड कंडीशन है मैं आपको बता रहा हूँ, अपना जो सिम है 6 महीना पुराना होना चाहिए, तभी जाके बैलेंस को आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर रिसीव कर सकते हैं। अगर नया सिम है 6 महीने का नीचे है तो आप कर नहीं सकते हैं। और बैलेंस आप 1 महीने में 150 रियल मैक्सिमम अमाउंट 150 रियल तक भेज सकते हैं, इससे आगे का अमाउंट आप 1 महीने के अंदर भेज नहीं सकते हैं। आप अगर पोस्टपेड का सिम इस्तेमाल कर रहे हो तो पोस्टपेड से पोस्टपेड नंबर पे आप बैलेंस को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, पोस्टपेड से प्रीपेड कर सकते हैं। इसके लिए ट्रांजेक्शन जो चार्ज है आपको 1 रियल पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से देना पड़ेगा। तो यही था कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है मोबाइल का बैलेंस ट्रांसफ़र करने का। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छे लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर चैनल पे नया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।